नमस्कार दोस्तों, बीबीसी कंप्यूटर वर्ल्ड के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे बीबीसी के 883 मॉडल की, जो कि ड्यूल आरजीबी में है। आप देख सकते हैं इसकी 2 RGB की स्ट्रिप बनाई हुई है इसमें। तो आज हम इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आप वीडियो के एंड तक देखें, जिससे कि आपसे कोई भी इसके बारे में स्पेसिफिकेशन या आपका कोई क्वेश्चन रह जाए तो वो ना छूटे। कैबिनेट की अनबॉक्सिंग करेंगे, देखते हैं जब हम इसको आप लोग इसको बाय करेंगे तो इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर, क्या क्या प्रोडक्ट इसमें दिए जाएंगे। तो ये हम अपने कैबिनेट को ओपन कर लिए। अगर हम सबसे पहले इसके टॉप पैनल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसके सबसे पहले ऊपर में टॉप पे इसके मैग्नेटाइज्ड डेस्ट्रेटर दिया गया है। इसके साथ साथ आप इसमें टॉप में 2 120mm के फैन फिट कर सकते हैं। और हम टॉप की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें ये RGB LED, क्योंकि इस कैबिनेट में RGB LED आपके फ्रंट में 2 दी गई हैं, तो ये RGB LED कंट्रोल करने के लिए बटन दिया गया है। ये आपका रिस्टार्ट का 2 2.0 USB, और इसके साथ आपका माइक और हेडफोन के लिए जैक, ये पावर के लिए, ऑन ऑफ के लिए, और ये आपका 3.0 USB इसमें दिया गया है। ये आपका टॉप पैनल था। हम बात करें फ्रंट पैनल की, तो फ्रंट पैनल में आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन दिया गया है। एयर के लिए भी इसमें आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे साइड में एयर के लिए भी दिया गया है स्पेस। दोनों साइड से इसमें एयर के लिए स्पेस दिया गया है, नॉट ओनली वन साइड। एयर स्पेस के लिए बहुत अच्छा है इसमें पैनल में डिजाइन दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट पैनल पे, तो आप ये देख सकते हैं ये 2 RGB LED इसके फ्रंट में दी गई हैं। 2 RGB LED पूरी ऊपर से नीचे लेकर टॉप तक, टॉप से लेकर बॉटम तक। तो ये इसका फ्रंट पैनल है। साइड में भी आप देखें तो ये आपको एक अलग ही तरह का हनीकॉम डिजाइन इसमें बना हुआ है साइड में। तो कैबिनेट की अगर हम फ्रंट पैनल की बात करें तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन RGB LED में कैबिनेट दिया गया। और हम इसके साइड पैनल की बात करें तो साइड पैनल में आप देख सकते हैं फुल एक्रेलिक सीट इसमें दी गई है। एक्रेलिक एक तरीके का प्लास्टिक होता है, तो ये हम कह सकते हैं एक तरीके से आपका फुल विंडो साइड पैनल इसमें दिया गया है। अब हम इसके अंदर की बात करें तो आप देख सकते हैं केबल की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन दी गई है। ये इसके साथ एक साटा मेल कनेक्टर दिया गया है, इसको आप अपनी पावर सप्लाई में लगाएंगे तो आपकी RGB LED में पावर आएंगी, तो आप उसको वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये RGB LED की पावर के लिए साटा मेल कनेक्टर दिया गया है। जब आप इसको पावर सप्लाई में कनेक्ट कर देंगे तो आपकी RGB LED फ्रंट की वर्क करने लगेगी। ये इसका स्क्रू दिया गया है, स्क्रू का पैकेट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं 4 लॉन्ग स्क्रू भी दिए गए हैं और बाकी स्मॉल स्क्रूज भी दिए गए हैं। हम कैबिनेट के इनर स्ट्रक्चर की बात करें तो आप यहाँ ये देख सकते हैं इसके अंदर मदरबोर्ड के लिए भी अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। इसके अंदर M80X, Mini ATX, Micro ATX, यहाँ तक कि आप M80X तक भी मदरबोर्ड इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साइज अच्छा खासा अंदर दिया गया है। SSD की बात करें तो 2 SSD आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। ये भी आपकी बैक साइड से हिडन कंपार्टमेंट में, मींस बैक साइड से इंस्टॉल हो जाएंगी।
और हम इसके अब बैक साइड की बात करें तो आप देख सकते हैं बॉटम माउंटेड इसमें PSU है, PSU के लिए भी हिडन स्पेस दिया गया है। आप पीछे की तरफ से इसको इंस्टॉल करेंगे, 7 एक्सपेंशन स्लॉट दिए गए हैं, एक 120 mm के लिए रियर में भी फैन दिया गया है, फैन के लिए स्पेस दिया गया है। हम इसके अगर बिल्कुल बॉटम में जाएँ तो आप देख सकते हैं 4 इसमें आपके स्टैंड दिए गए हैं, उनके ऊपर आपके फोम से कवर किया गया है जिससे कि किसी तरह की वाइब्रेशन ना हो। साथ में आप अगर देख सकते हैं तो ये आपका यहाँ पे एक डस्ट फिल्टर भी अलग से दिया गया है, इसके अंदर डस्ट फिल्टर भी दिया गया है नीचे के लिए। स्पेस भी देख सकते हैं एयर के लिए, आपका PSU के लिए, हार्ड डिस्क के लिए, एयर के लिए भी यहाँ पे स्पेस बनाया गया है। हम इसके बैक पैनल को खोलते हैं, तो मैंने जैसा आपको अभी बताया था तो हम 2 SSD यहाँ से ऐसे लगा के SSD यहाँ से स्क्रू करके फिट कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये इसमें हिडन कंपार्टमेंट में यहाँ पे स्पेस दिया गया है, ये इस तरीके के कपलर हैं, इसके अंदर आप 3.5 इंच की हार्ड डिस्क या फिर SSD फिट कर सकते हैं। मीन्स टोटल आप इसके अंदर हम SSD की बात करें, अगर आप खाली SSD फिट करना चाहते हैं तो टोटल आप इसके अंदर 4 SSD फिट कर सकते हैं, और अगर हम खाली 3.5 इंच और SSD के लिए बात करें तो 2 SSD आप यहाँ फिट कर सकते हैं और 2 3.5 इंच हार्ड डिस्क इन कनेक्टर्स के अंदर फिट कर सकते हैं। PSU के लिए भी इसके अंदर अच्छा खासा यहाँ स्पेस दिया गया, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस है, लॉन्ग स्पेस है, तो आपका अच्छा खासा साइज का PSU भी इसके अंदर फिट हो सकता है। अब हम फ्रंट पैनल को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें और क्या फीचर मिले। ये हमने फ्रंट पैनल को ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं RGB LED यहाँ पे लगाई गई है, तो ये RGB LED के कनेक्शन है और ये आपका बटन से कनेक्टेड है जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि ऊपर की तरफ है। इसमें आप यहाँ पे 120 mm के 2 फैन फिट कर सकते हैं या फिर इसके अंदर 120 mm का वाटर कूलर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो आपके 883 मॉडल था इसकी हमने ये अनबॉक्सिंग करी है, आप इसमें देख सकते हैं कि किसी तरह का आपका कोई क्वेश्चन है क्या हो, कुछ और आपका कोई इंक्वायरी हो, किसी तरह की आपके कोई इश्यू हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए एंड तक धन्यवाद।